हेलो फ्रेंड्स, हाउस होल्ड केयर में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लच्छा नमकीन, जो व्रत में खाई जाने वाली है। तो हम इसको आज बनाएंगे और एक दिन बनाकर आप रख सकते हैं, 9 दिन तक इसको खा सकते हैं, चाहे तो लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमने 4 आलू ले लिए हैं और इसको अच्छे छील लिया हमने। ये मीडियम साइज़ के आलू हमने लिए हैं और इसको अभी कद्दूकस लेंगे इस टाइप से, जिस साइड बड़े साइड छेद होते हैं ना, इस साइड से लेंगे हम इसको। और एक बाउल ले लेंगे बड़ा, उसके अंदर पानी डालेंगे और इसके अंदर हम ये रख के और इस आलू को हम इसके अंदर कद्दूकस करेंगे, जिससे कि नीचे बड़े बड़े छल्ले निकले। ये देखिए, इस तरह से हम इसको कस लेते हैं, इस तरह छल्ले निकल जाएंगे। तो हमने 2 आलू को भी घस लिया है और इसको हम निकाल के लच्छों को साफ पानी में डाल देंगे। थोड़ा सावधानी से घसना है इसको, नहीं तो हाथ भी घस सकता है। तो इस तरह से हम इसको 4 आलू को घस लिया हमने और इसको धो के और सारे साफ पानी में डाल देंगे। ये देखिए नीचे कितना स्टार्च बच गया है इसका, पानी के अंदर कितना आलू का स्टार्च आ गया है। अगर ये स्टार्च रह जाता है आलू के अंदर तो ये लच्छी नमकीन होती है ना, लाल हो जाती है, इसलिए इसको साफ पानी में हम 2-3 पानी से धोएंगे। तो अब दूसरे बाउल में हम फिर पानी डाल के उसको भी साफ पानी में अच्छे से एक बार और धो लेते हैं। देखिए इसके अंदर भी काफ़ी स्टार्च निकल चुका है, उसको इसलिए धो लें, अच्छे से 2 पानी से अच्छे 3 पानी से धो सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से पानी एक बार धो के और एक साफ कपड़ा ले लेंगे, पहले छलनी ले लेते हैं, इसको निकाल के छलनी पर रख लेते हैं, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा छलनी से नीचे निकल जाए। इस तरह से हम सारा पानी इसका निकाल के और एक साफ कपड़ा लेके उस पर इसको फैला देंगे, जिससे कपड़े में जो एक्स्ट्रा पानी है इसके अंदर वो कपड़े में आ जाएगा। 5-7 मिनट तक इसको ऐसे फैला रहने देंगे। उसके बाद हम ये कढ़ाई में तेल डालेंगे। ये हमने मूंगफली का तेल लिया है, व्रत में हम इसको खा सकते हैं। और उसको गर्म होने के बाद ये लच्छे इसके अंदर हम थोड़े से डालेंगे, जितने आवश्यकता से आ जाए आराम से उतने ही डालें, ये तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो जरूरत के हिसाब से जितने जो आराम से इसमें तेल में आ जाए उतने ही हम डालेंगे। और इसको एक बार चला के लो टू मीडियम गैस रखेंगे, एक बार थोड़ी देर इसको ऐसे पकने देंगे और फिर थोड़ी देर बाद गैस को हम तेज कर देंगे और इसको इस तरह से हम इसको उलट पुलट करते हुए भूनेंगे। देखिए आप, कलर चेंज हो चुका है और एक क्रिस्पी होने लगे हैं। तो इस तरह से हम इसको उलट पुलट करते हुए भून लेंगे और इसको निकाल लेंगे। एक बैच को हमको तैयार करने में करीबन 5-7 मिनट लग जाते हैं। इसी तरह से हम दूसरा भी बैच डालते रहेंगे और सभी लच्छों को हम इस प्रकार से फ्राई करेंगे। इसको थोड़ा सा हला दे जर से, जिससे अच्छे से खुल जाए। इस तरह से एक बार डालने के बाद झाग बहुत जोर से बनते हैं और थोड़ी धीरे धीरे झाग देखिए जैसे पकने लगती है, झाग कम हो जाते हैं और ये क्रिस्पी हो जाती है तो झाग बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, बिल्कुल झाग तैयार हो जाती है, झाग बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और ये देखिए बन के तैयार हो जाती है। इस प्रकार से हम सभी को तैयार करेंगे। उसके बाद हमने एक कच्ची मूंगफली ली है, थोड़ी सी आधी कटोरी में कच्ची मूंगफली ले ली है और इसको डालकर इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, अच्छी सी गोल्डन सी हो जाएंगी, अच्छी से पक जाएंगी, आपको चट चट की आवाज़ आने लगेगी, अच्छे से पक जाती है। उसके बाद हम इसको भी निकालेंगे। ये देखिए पक गई, इसको हम निकाल लेते हैं। नवरात्रि व्रत में अगर आप बाहर से लाके खाना पसंद नहीं करते तो आप घर पे ही ये लच्छा नमकीन इस तरह से बना सकते हैं। ये कुछ मैंने ताल मखाने लिए हैं, ये व्रत में खाए जाते हैं, इसको भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। इसको देखिए कलर चेंज हो चुका है, अच्छे से पक गए हैं, आप दबा के देख लीजिए, आराम से इजीली टूट जाते हैं तो पक जाते हैं। इसको भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट लेंगे, ये मैंने बादाम लिए हैं,
इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसके बाद थोड़े से काजू इसमें डाल देते हैं और इनको दोनों को अच्छे से भून लेते हैं। ये हमने इनको भी भून लिया है और उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालेंगे, व्रत वाला जो व्रत में खाया जाता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लें। उसके बाद थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे, फिर काली मिर्च का पाउडर हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए ये हमारी व्रत वाली लच्छा नमकीन बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इसको नवरात्रि व्रत में ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए जिससे कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।